आप में से बहुत लोगों का जो ख्वाहिश होता है बिजनेस करने का, राइट? तो दुबई में कम से कम पैसा लगभग यहाँ का 1,000-4,000 सबसे कम होता है, ठीक है? इसमें कैसे बिजनेस कर सकते हैं यहाँ के छोटा मोटा बिजनेस रियल इस्टेट में, ठीक है? रियल इस्टेट का मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा। यहाँ का 1,000-4,000 इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा बिजनेस बोलते हैं वो रियल इस्टेट बिजनेस। यहाँ का 1,000-4,000 इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में कितना होता है? यहाँ का 1,000 होता है इंडिया में लगभग 20,000, तो नेपाल में होगा लगभग कितना हो जाएगा 30,000, उस तरह पाकिस्तान में लगभग हो जाएगा 50,000। तो इसमें आप रियल इस्टेट कैसा बिजनेस कर सकते हैं ये एकदम प्रैक्टिकली डेमो में करके दिखाऊंगा, वो भी अपने रेजिडेंट से। ये है मेरा रेजिडेंट, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ उस बिल्डिंग में, और वहाँ जाके दिखाएंगे आपको। जानना है तो बने रहो। कम स्वागत करना तो भूल गया। नमस्ते जैसी दिले, सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं जीएस प्रमोशनल की एक और वीडियो में। ये बहुत मजेदार होने वाला है। कम तो ये रहा आपका फ्लैट, ठीक है? और दुबई में काफी लोग बेड स्पेस में बैठता है, पार्टीशन में बैठता है, रूम में बैठता है। तो वो कैसा होता है, मतलब एक फ्लैट के अंदर मान लो 2 BHK का हो सकता है या 1 BHK का हो सकता है। 2 BHK में क्या होता है, 2 रूम होते हैं, 1 हॉल होता है, राइट? तो 2 रूम को रखने के बाद जो हॉल होता है उसको इस तरह से डिवाइड करता है। देखो ना, छोटा छोटा पार्टीशन बनाता है, जैसे कि यहाँ एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, जैसे ऐसा ये दिखा दो, ये उस तरफ में आती है, ये 2 पार्टीशन में लोग बैठा है तो हम खोल के नहीं दिखा सकते। तो ये एक पार्टीशन हो गया, ठीक है? ये हॉल एक्चुअली इसको डिवाइड किया छोटा छोटा सा। तो इसमें क्या होता है, लोग रहता है 1,200-1,300-1,400-1,500 यहाँ का, देखिए लगभग इंडिया का 20-30,000 रुपये। चलो ये हो गया पार्टीशन, ठीक है? जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस, उसको बोलने से पहले ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है? ये हो गया पार्टीशन, देन वी कम टू रूम। रूम इस तरह से होते हैं, 1 हो गया रूम, 2 हो गया रूम। यहाँ पर ऑलरेडी जेंट्स आ जाओ अंदर, जो साइड बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ मैन यहीं आके आपको पता चलेगा, जिसको हम साइड बिजनेस सिर्फ एक मिनी बिजनेस भी बोल सकते हैं। मान लो सपोज आप दुबई में आते हो और आपका सैलरी 2,000-3,000-4,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जॉब में जैसे कि मैंने बताया आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते, कभी भी कुछ हो सकता है या आपको कंपनी रिटायरमेंट कर देगा या कुछ भी हो सकता है, राइट? सो इस केस में यदि आप चाहते हो कि छोटा मोटा बिजनेस करेगा, देखो दुबई वाले का या तो हम रहते हैं स्टूडियो लेके या फ्लैट लेके या फिर बेड स्पेस में, पर हम लोग में से कहीं ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो बेड स्पेस में रहता है। वो क्यों बोले से, यहाँ का सैलरी रेंज थोड़ा कम है, जो जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग हम लोग जैसा लो कास्ट का जो काम करते हैं लेबर में, सेल्स में, इन लोग इस तरह से रहते हैं बेड स्पेस में। तो बेड स्पेस में क्या रेंज होता है, जिसका सैलरी 7,000-6,000-5,000 तक, वो भी बेड स्पेस में रहता है दुबई में। लेकिन जैसे मान लो अब डाउन टाउन में हो गया, अभी उसके बाद बिजनेस भी हो गया, जुमेरा हो गया, इस जगह में रहेगा तो स्टैंडर्ड हाई होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का बेड नहीं होता है। वहाँ पे एक रूम होते हैं, एक एक दो दो बेड होता है, ठीक है? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ वो बिजनेस का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाए पहले। तो एक रूम में 2 बेड रख के यहाँ पे बेड, यहाँ पे एक बेड, 2 बेड रख के एक बेड का 2,000-2,000 करके बैठते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऐसा है इसी वजह से। पर हम जो करामा हो गया, बरदुबा हो गया, इस जगह में क्या रखते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 बेड है, लेकिन ये डबल है, 4 को डबल करने से 8 हो जाते हैं, तो 8 लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है? 8 लोग रहते हैं, एक बेड का कॉस्ट जो यहाँ पर सोता है वो बंदा को 500-550-600 ये एवरेज कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? जैसे मान लो सेम 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500, सो कितना हुआ 500, 500, 8 लगभग 4,000, है कि नहीं? तो आप यदि एक बेड को 500 पे करके बैठ रहा है तो प्रत्येक महीना आपको देना पड़ेगा पैसा यहाँ में। सपोज मान लो आपको सैलरी 1,500 रुपये है, तो 500 रुपये यहाँ चला गया, 1,000 रुपये बचता है, और वो 1,000 रुपये कोई श्योरिटी नहीं कब क्या हो जाएगा, राइट? आप चाहते हो कि आप छोटा सा बिजनेस करेगा, तो ये जो रूम है ये रूम एक फ्लैट का अंदर आता है, राइट? एक फ्लैट में लगभग 2 रूम होता ही, जैसे यहाँ एक रूम है वहाँ पे भी एक रूम था, राइट? सो इन केस आप क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते, जो फ्लैट का ओनर होगा जिसने ऑलरेडी फ्लैट ले रखा है। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेडिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको जो रूम है बजाय मैं 500-500 देने का, आपको रूम मुझे दो ना, मैं रखता हूँ, भले आपको मैं 4,000 दे नहीं सकूँगा लेकिन आपको मैं 2,000 दूंगा, 2,500 दूंगा, ठीक है? 2,500 दिरहम या 2,000 भी काफ़ी होता है, 2,000 मतलब इंडिया का लगभग 40,000 और 2,500 मतलब 50,000 होता है, तो मैं आपको 2,000 दूंगा। लेकिन चाहे आदमी हो या ना हो, फॉर एग्जांपल ये फ्लैट का जो ओनर होता है ना, वो सब पैक करके रखने से, मतलब 1, 2, 3, 4 पूरा 8 लोग होने से लगभग उसको मिलेगा पैसा 4,000 रुपया। लेकिन ये मुश्किल होता है वो अकेला पैक करने के लिए, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं,
मैं अकेला बैठूं या चार लोग बैठो, मेरे साथ आठ लोग बैठो, लेकिन आपको मैं 2000 देगा या 2500 देगा, बल्कि उनसे कन्विंस करा लेते हो ना, तो आपको फ़ायदा क्या रहता है? आपका 500 हो गया, उसके बाकी 500 कितना हुआ? 4000। यदि आपने उससे बात किया 2000 में, तो कितना आपको बचता है? 6000, राइट? 6 × 2 = 8, जिसमें आप 6000 से डिवाइड कर लो आपका 500, तो कितना होगा? 5500। इतना आपका बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर है, संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमेशा फुल रहना संभावना नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो फुल भी करा सकते हैं। कराने का बहुत जरिया है, फेसबुक हो गया, डिजिटल्स हो गया, या फिर आप पोस्टर वगैरह बना के चिपका के, या फिर दोस्तों के जरिए से होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सिर्फ दुबई में नहीं, शारजा में, अजमान में, कहीं भी आप कर सकते हैं, जिसे हम मिनी बिजनेस कहते हैं या फिर साइड बिजनेस भी कहते हैं, जो कि रियल एस्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला था, इससे भी ज़बरदस्त मज़ेदार आने वाला कंटेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको करना क्या है? जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।